अस्सलामुअलैकुम, सेफ सिटी वीकली राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद फाइक। सेफ सिटी अथॉरिटी ने वुकला के पीआईसी पर हमले की फुटेज और शवाहिद पुलिस के हवाले कर दिए। सीसीपीओ लाहौर जुल्फिकार हमीद का कहना था कि कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं, जो भी शख्स कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमने सेफ सिटी और दीगर जराये से फुटेज हासिल कर ली है। सीसीपीओ लाहौर का मजीद कहना था कि एक तरफ कहा जाता है कि पुलिस एक्शन नहीं लेती, फिर तनकीद भी की जाती है। पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी के लिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी अहम किरदार अदा कर रहा है। पाक श्रीलंका मैचेस के दौरान सिक्योरिटी के लिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की स्पेशल टीम रावलपिंडी में सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रही है। टीम में मोबाइल कमांड सेंटर, ड्रोन, पीआरयू व्हीकल और जदीद कम्युनिकेशन सिस्टम शामिल हैं। लाहौर के इलाके बंद रोड पर डाकुओं की फायरिंग से डॉल्फिन एहलकार शहीद हो गया। डॉल्फिन एहलकार पेट्रोलिंग पर मौजूद थे कि मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने डॉल्फिन टीम नंबर 362 पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से डॉल्फिन एहलकार मोहसिन के सर पर गोलियां लगीं और वो शहीद हो गया। शहीद की नमाज जनाजा में आईजी पंजाब समेत पुलिस के दीगर आला अफसरान और अहलकारान ने शिरकत की। अकलियतें हर मुआशरे का एक अहम हिस्सा, अक्सरियत की जिम्मेदारी है कि वह अकलियतों के हकूक का एहतराम करें। डीपीओ खानेवाल फैसल शहजाद का कहना है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार अकलियतों के मसाइल हल करने पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान में तमाम अकलियतों को मसावी हकूक हासिल हैं और मुल्क की तरक्की में अकलियतों का किरदार काबिले सताइश रहा है। डीपीओ खानेवाल का कहना था कि जिला भर के चर्चेज में मसीही बरादरी के जानो माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने डीपीओ ऑफिस में क्रिसमस के हवाले से मसीही बरादरी के नुमाइंदगान से मीटिंग के दौरान किया। मीटिंग में जिला भर के चर्चेज के सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया गया। विहाड़ी में 7 साल बच्चा पुलिस ऑफिसर बन गया। विहाड़ी पुलिस की तरफ से इंसान दोस्ती की आला मिसाल। डीपीओ विहाड़ी अख्तर फारूक ने थैलेसीमिया के मर्ज में मुबतला 7 साल बच्चे की पुलिस ऑफिसर बनने की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। सादुर रहमान ने सोशल मीडिया पर डीपीओ विहाड़ी की कार्रवाइयां देखकर पुलिस ऑफिसर बनने की ख्वाहिश का इजहार किया था। बच्चे को डीपीओ की सीट पर बिठाकर मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया गया। डीपीओ भक्कर फैसल गुलजार ने आईलियो माशरती मसाइल के हल के लिए कंप्लेंट असिस्टेंट एंड प्रॉम्प्ट एक्शन यूनिट कायम कर दिया। माशरती अमन सुकून और आयली तनाजियात के हल के लिए पुलिस का किरदार अहम है। खानदान के अफराद की लड़ाई, मियां बीवी के झगड़े, मोहल्लेदारी के तनाजियात, छोटे पैमाने का लेन देन और दीगर इस नौयत के मसाइल जिन्हें थानों में सानवी हसीयत दी जाती है, इनके फौरी हल के लिए डीपीओ भक्कर फैसल गुलजार ने डीपीओ ऑफिस भक्कर में कंप्लेंट असिस्टेंट एंड प्रॉम्प्ट रेजोल्यूशन एक्शन कैपरा यूनिट कायम किया है। इस यूनिट में एक एएसआई बतौर इंचार्ज, दो पुलिस कांस्टेबल और एक लेडी कांस्टेबल बतौर मुआवन तैनात किए गए हैं। मस्कूरा यूनिट ने अपनी वर्किंग का बाकायदा आगाज कर दिया है। अवामी और समाजी हलकों की तरफ से डीपीओ भक्कर के इस इकदाम की भरपूर पजीराई की जा रही है। पंजाब पुलिस में सानवी नौयत के मसाइल के फौरी हल के लिए भक्कर पुलिस में कायम करदा ये मुनफरिद यूनिट है जो गरीब और मुतवस्त तबके को फौरी इंसाफ और तावुन फराम कर रहा है। वीकली राउंडअप से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।